Good morning, second class. You all are welcome in your English class. And in today class, we are going to revise again the topic of pronouns, which is given in your book in lesson number 9. Okay? ठीक है? तो let's start to revise it again. First of all, आपको ये पता होना चाहिए. मैंने आपको पहले भी बताया था कि pronouns किसे बोलते हैं. प्रोनाउंस को हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, किन को हम प्रोनाउंस बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए. तो एक बार मैं आपको दोबारा से ये इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ, ताकि आपको भी दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाए ये कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, pronouns are the words that we use in place of naming words. For example, he, she, it, we, they. मतलब जो words हम naming words की जगह use करते हैं, जैसे हम किसी भी नाम की जगह हम जो word use करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, pronouns. ठीक है, जैसे अब एक लड़की का नाम बार बार repeat हो रहा है, तो हम उसका नाम बार बार रिपीट करने की जगह हम उसकी जगह शी यूज़ करते हैं. किसी भी चीज़ के लिए हम इट यूज़ करते हैं, किसी भी एनिमल थिंग के लिए भी इट यूज़ करते हैं, किसी लड़के के लिए ही यूज़ करते हैं. तो ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. आप सब भी अपनी इंग्लिश की नोटबुक में ऐसे ही लिखेंगे, रिवीजन इंग्लिश ग्रामर प्रोनाउंस. ये लेसन नंबर 9 मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि ये टॉपिक आपका लेसन नंबर 9 में गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द करेक्ट प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस. ठीक है, आपको ये प्रोनाउंस दिए हुए हैं, तो इनमें जो भी करेक्ट प्रोनाउन आएगा उसको अंडरलाइन करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग. जैसे ही शी इज माई सिस्टर. ठीक है, वो मेरी सिस्टर है. तो अब सिस्टर लड़की है, ठीक है, तो लड़की के लिए क्या आएगा, ही या शी, क्या आएगा, शी. तो हम किस पे अंडरलाइन कर देंगे, शी पे. ठीक है, कौन सा प्रोनाउन सही है, शी. सेकंड है, ही या इट इज गोइंग टू स्कूल. इट आपको पता है कि किसी चीज के लिए, एनिमल के लिए आता है, तो वो स्कूल जा रहा है, तो क्या होगा, ही. ठीक है, हम ही के नीचे अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है, फिर है ही शी इज माई अंकल. अंकल मतलब किसी जेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो लड़कों के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही. ठीक है, शी लड़कियों के लिए आता है. फिर है इट ही इज माई पेट डॉग. अब आ गया ना एनिमल, पेट डॉग, तो डॉग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट. ठीक है, फिर है इट या शी जो भी होगा इज अ बैट. बैट यानी थिंग, थिंग के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इट. ठीक है, फिर है ही इट इज एन ऑरेंज. तो ये भी एक फ्रूट नेम है, तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, इट. ठीक है, क्लियर हो गया आपको. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट द सेंटेंसेस यूज प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. ये सेंटेंस आपने दोबारा लिखना है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह आपने प्रोनाउन यूज करना है. जैसे इस लाइन में हमारा अंडरलाइन वर्ड है रितु, दिस इज रितु फुल स्टॉप, रितु इज माय फ्रेंड. तो आप देख रहे हो रितु की जगह हमने प्रोनाउन यूज करना है, और रितु किसका नाम है, एक लड़की का नाम है. तो हम लड़की की जगह क्या यूज करेंगे, शी. क्या यूज करेंगे, शी. तो हम पहले तो ऐसे ही लिखेंगे, दिस इज रितु फुल स्टॉप, अंडरलाइन वर्ड ये है, लड़की का नाम है, तो इसकी जगह हमने शी लिख दिया, शी इज माई फ्रेंड. ठीक है, समझ आ गया ना सबको. इसी तरह सेकेंड पॉइंट है, दिस इज माई रैबिट, यह है मेरा खरगोश है, माई रैबिट इज वाइट. हमने किसको चेंज करना है, प्रोनाउन हमने किसकी जगह लिखना है, माई रैबिट की जगह. तो इसकी जगह क्या आएगा, इट, एनिमल है ना, तो इसकी जगह क्या आएगा, इट. तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो वैसे ही लिखेंगे,
This is my rabbit, full stop. My rabbit की जगह क्या लिखेंगे? It is white. ठीक है? It is white. It is white. My rabbit की जगह हमने it लिख दिया. ठीक है? तो मैंने आज आपको प्रोनाउंस की रिवीजन करा दी है एक बार दोबारा से. अब बच्चों, मैं आपको एक बार जो आपका ऐसे हुआ था, पैराग्राफ हुआ था माई टीचर, वो भी एक बार दोबारा से इसी क्लास में मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ. ठीक है? तो ये हमारा रिवीजन है. ऊपर रिवीजन लिखा है मैंने, पैराग्राफ माय टीचर. तो इसकी मैं आपको, जिन बच्चों ने नहीं किया होगा वो कर भी लेंगे. अगर बाय चांस आपकी कोई क्लास मिस हो गई थी तो आज की क्लास अटेंड करने के बाद आप ये कर भी लोगे माय टीचर का. और मैं आपको इसकी पैराग्राफ की पीडीएफ भी भेज दूंगी, तो उसमें से देखकर भी आप आराम से कर लोगे. तो एक बार मैं आपको इसको रीड करवा देती हूँ. माय टीचर्स नेम इज जसबीर कौर. ठीक है? शी टीचेस अस इंग्लिश एंड हिंदी. शी नेवर शाउट्स एट अस. When we ask questions, she explains it calmly. She also tells us jokes. She is a good-hearted woman. Her teaching method is very good. She always comes to school in time. She comes to school daily. She always remains happy. She is a very polite and honest lady. ठीक है? तो ये बच्चों आपका पैराग्राफ था माई टीचर के ऊपर, और मैंने इसको आपकी आप जो रिविजन भी करवा दी है, और इसका आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी. और जिन बच्चों ने नहीं किया वो इसको कर भी लेंगे. तो मैंने इसकी आपको हिंदी भी अच्छी तरह समझाई है. ये रिविजन वर्क था इसलिए आज नहीं समझाई है. ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास सून. टिल देन, जय हिंद.